और रेडी कहाँ जाने के लिए हुए हैं? हम जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर। अब हमारी पैदल की चढ़ाई शुरू होगी, तो अब हम चढ़ाई करने के लिए रेडी। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, और आपका स्वागत है हमारे चैनल ए एस गुड लाइफ में। कैमरा साफ है तेरा? हाँ, कैमरा साफ ही है। लग अंधेरा करके, अंधेरा करके। तो जी, आज वीडियो की स्टार्टिंग कर दी है मैंने, और आज सब इधर इधर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सब हो गए हैं रेडी। रेडी और रेडी कहाँ जाने के लिए हुए हैं? हम जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर। तो और टाइम 10 बज गए हैं, तो फिलहाल हम जा रहे हैं। और सोचा था जल्दी निकलेंगे, लेकिन पूजा और जो है इनका ब्रेकफास्ट वगैरह करके इतना टाइम हो ही गया। और ये देख लो मेरी हालत रेडी किस तरीके से हो रही है। और मैंने ये कंफर्टेबल वाला सूट पहनना है, जो कि बिल्कुल एकदम लाइट वेट तो है ही, और पूरी स्लीव है, तो मतलब धूप है ना, हवा बहुत तेज चल रही। और हर बार हम कहीं ना कहीं जाते ही हैं, तो चंडी देवी जाए हमें बहुत टाइम हो गया था, तो इस बार हमने सोचा कि चंडी देवी चलते हैं। तो जी ठीक है, सब कुछ हो गया है। नन्नू कहाँ है? सब उठा ली, लॉबी की लाइट बंद कर दो। तो चलिए जी, चलते हैं। हाँ जी, गाड़ी का जितना सफर था वो हमने कर लिया है। गाड़ी का सफर यहीं तक का था, हो गया। अब हमारी पैदल की चढ़ाई शुरू होगी, तो अब हम चढ़ाई करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और व्यू देखिए पीछे कितना अच्छा, कितना प्यारा। और मौसम तो आज माता रानी ने ऐसा कर दिया कि धूप तो कहीं है ही नहीं, दिख तो रहे हैं सूर्य देव, थोड़े थोड़े आ भी सकते हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, और हवा चल रही है, तो जा ही नहीं रहे, आ भी रहे कभी कभी। गर्मी का तो सवाल है नहीं, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही है। चलो चलो भाई, तो चलिए अब चलते हैं और माता रानी के दर्शन। देखते हैं कितनी जान लगानी पड़ेगी। देखते हैं, ये पहले चढ़ा गया, मैं पहले चढ़ूंगी। मम्मी ने ले लिया जी पहला स्टॉप, और वो स्टॉप अभी हम 2 मिनट में पूरे नहीं चले। दो ही मिनट चले हम मुश्किल से। काफी टाइम बाद हम आए हैं चंडी देवी यहाँ पे, नहीं तो हम ऐसे मनसा पे जाते हैं ज्यादातर। तो चढ़ते हैं धीरे धीरे। चल दिए जी, फिर चल दिए। शुरू में ही ना एक बहुत ही एकदम खड़ा सा मोड़ आया था, खड़ी सी चढ़ाई आई थी, तो आदत तो नहीं है ना इतनी। अब थोड़ा प्लेन प्लेन है, मतलब हल्की अब चढ़ाई, तो अब चलते हैं। और चलने का क्या है, जो वॉक वगैरह ज़्यादा करते रहे उन्हें तो होती आदत, पर मेरा ऐसा कुछ है नहीं, वॉक मैं करती नहीं हूँ।
पति देव मजबूत है, है ना। कोई नहीं, आराम से चले जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो शुरू का मोड़ था उसमें ना, थोड़ी सांस भी भूल गई थी, तो मैंने चलिए थोड़ा रेस्ट ले लिया। बंदर काफ़ी, मंकी बंदर ही बंदर है, फोन चश्मे सब छीनने की कोशिश कर लेते हैं कभी कभी। मंगन चले और क्या, देखिए बंदर तो काफ़ी हैं, पर ये लंगूर है और बहुत ही बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। और ये इसका बेबी बहुत ही अच्छा लग रहा था चढ़ने को। देखो पैदल सब नहीं चढ़ते और ट्रॉली से भी सब नहीं चढ़ते हैं, तो हम कभी नहीं चढ़ते। हम हमेशा जब भी जाते हैं पैदल ही चढ़ते हैं। और सबकी देखो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी आस्था होती है, अपना अपना विश्वास होता है। तो मेरा यही है कि हम जो है थोड़ा सा पैदल ही चढ़ें, कष्ट करें माता रानी के लिए। फाइनली पहुंच गए हैं जी मंदिर के पास, क्योंकि एक तो पास वैसा है, कुछ एरिया है सारा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ऊपर हम आ गए हैं चंडी माता के मंदिर, बस थोड़े सा मतलब बचा हुआ है जहाँ पे लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी सी। यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे हैं, बाकी तो नीचे ही बोल रहे थे। और ये चार मतलब चार चार इन्होंने फूल रखे हुए हैं, तो मैं बोल रही थी भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, कम से कम फूल तो अच्छे से रखो। तो वही बस मैं यहाँ पे बातें कर रही थी। और कुछ जो सामान है मैं श्रृंगार का पूरा, जैसे माता रानी का श्रृंगार और चुनरी, वो मैं मार्केट से अपने मतलब अपने मार्केट से ही लेके आई थी। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा लिया है, जैसे फूल भी हम लेके आ सकते थे लेकिन मैंने फूल नहीं लिए थे। और बस थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा मीठा और नारियल वगैरह यहाँ से ले लिया। हालांकि जो भी जाए ना, अपना पहले से ही पूरा ये प्रसाद जितना भी हमें श्रृंगार जो भी हमें चढ़ाना है चढ़ावा, वो नीचे से ही लेके अपने मतलब घर से ही तैयार करके लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे बस नाम है बाकी कुछ नहीं है। तो खैर हमने ले लिया जितना भी था, जो भी इन्होंने करा था तो मैंने अलग अलग लिया है। मतलब वो इनकी थाली जो इन्होंने बना के रखी हुई है, जैसे 101 का होता है, 151 का, 250, मतलब इस तरीके से होता है, तो वो नहीं लिया क्योंकि मैंने चुनरी वगैरह और श्रृंगार का सामान सब पहले से ही लेके रखा हुआ था, अपने मार्केट से लेके आई थी। तो सामान मैंने थाली लगा ली है, थाली क्या उन्होंने एक बास्केट सी दी थी उसमें लगा लिया है सारा सामान। और भीड़ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भीड़ है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था, क्योंकि दो तीन लाइनें उन्होंने बनाई हुई थी, बढ़िया अच्छे से हो गया था सब दर्शन वगैरह। भीड़ तो देखो ऐसी जगह होती है, और वो भी नवरात्रि के मौके पर। नवरात्रि का आज छठा दिन है, तो हम छठे दिन पहुँचे हैं और बस भीड़ आप देख ही लीजिए। और ये तो हर रोज का होता है कि इतनी भीड़ तो डेली ही होती है नवरात्रि के दिनों में। और यहाँ पे हम जाली से पास का व्यू देख रहे थे, मतलब साइड में, और हवा भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। अभी तक तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी। हाँ ये है देखो, थोड़ा सा चढ़ने में होता है, तो फास्ट 6 दिन से हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं आज फास्ट करते मुझे। और खैर इन्होंने भी हिम्मत करी, काफ़ी सारी हिम्मत करी इन्होंने भी, तो ये मैं और बच्चे सभी, अंश का एक फ्रेंड भी हमारे साथ आया है, तो बस हम पांचों हैं। और यहाँ पे आ गया है माँ चंडी देवी का दरबार, जहाँ पे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना बिल्कुल बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वो एकदम मतलब बोलूँ तो पहरे पे खड़े हुए थे कि कोई कैमरा फ़ोन ना उठा ले। तो बड़ी ही मतलब उन्होंने ध्यान से बड़ा, पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। चलो तो खैर इतना तो आपने दर्शन कर ही लिया, बाकी जो चंडी देवी आए होंगे उनको तो पता ही है, हम आते रहते हैं। पर इस बार चंडी देवी हम काफ़ी टाइम बाद गए हैं, मतलब सालों बाद गए हैं, दो साल से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। पहले हम गए थे मनसा देवी, मनसा तो बहुत बार जा चुके हैं, चंडी भी आ गए हैं पहले, ऐसे नहीं पहली बार आए हैं। तो बस अब जो है नीचे चलेंगे, यहाँ पे तिलक लगवा रहे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनमें दर्शन करना
और जो है कुछ दक्षिणा चढ़ाना वो तो देखिए होता ही है, तो बस वही घूमते फिरते अब अच्छे से काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तो दिन जो है आज भीड़ ये भी है कि आज संडे का दिन है, और फिर ये तो छुट्टी लेते नहीं हैं ऑफिस से, तो आज का ही दिन था, पर अच्छे दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और माता रानी टाइम से ही सब कुछ हो गया, बहुत जल्दी हम आ गए थे ऊपर भी और टाइमली सारा काम हुआ। तो यहाँ पे जैसे छोटे छोटे मंदिर हैं उनमें थोड़ा सा रिकॉर्ड किया अंश ने, ज़्यादा तो नहीं, अच्छा नहीं लगता फिर कोई मना करे। रिकॉर्ड ना करने का रीज़न समझ नहीं आता, क्योंकि गूगल पे इतने सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, काफ़ी सारा सब जगह का मिलता है देखिए, पर चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तो यूट्यूब पे देखें तो सब जगह का लाइव आता है। पर चलो खैर कोई बात नहीं है, तो बस अब नीचे आ गए हैं देखते हुए मैंने, चलिए जो है प्रसाद के नाम पे यहाँ से कुछ तो लेके जाएंगे, तो बस मैं वही देख रही थी यहाँ पे कि कुछ है ऐसा जो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंदन टीका लिया, एक तो वाइट वाला लिया, एक रेड वाला लिया, और फिर मैं देख रही थी कड़े, मैंने चलिए कुछ सिंदूर वगैरह मेरे पास है, हालांकि मैं सूखा ही सिंदूर लगाती हूँ, मुझे उससे वो होने लगी है एलर्जी लिक्विड वाले से, पर मेरे पास सूखा बहुत सारा है, मैंने क्या करूँगी, तो सिंदूर तो मैंने नहीं लिया। कहते हैं ना माता के यहाँ से श्रृंगार का कोई सामान लेके आना चाहिए, तो हम तो जाते ही रहते हैं, तो मैंने लिए थे कड़े, दो कड़े मैंने अपने लिए लिए और दो अपने सिस्टर इन लॉ के लिए लिए जो मेरे पास रहती हैं। अब तो जी जाने लग रहे हैं और नीचे तो भागे चले जा रहे, भागे दौड़े, पैर लग गए अब तुम्हारे पैरों में, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन हो गए माता रानी के बहुत अच्छे से, और ये बढ़िया हुआ कि चढ़ते टाइम एकदम मौसम अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल प्रसाद अच्छे से ना सड़े, तो थोड़ा सा आराम से ही हो गया था, अच्छा लगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी। और कैलोरी कितनी गई आज हमारी, पता नहीं देख गई? चेक ही नहीं किया, चेक नहीं किया उसने, देखो। उस टाइम जब हम चंडी से नीचे आए, चंडी माता से, तो इतना जाम लग गया, गाड़ी हमारी नहीं जा पाई और जाम में हम खड़े नहीं हुए, तो हम तलाश रहे हैं कोई दूसरा रास्ता, वहां से तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि जाम में खड़े होने से अच्छा है कि किसी रास्ते को तलाश के फिर जो है घर जाया जाए, हालांकि बच्चों का ही था, नहीं तो एक आध घंटे में चले ही जाते। तो अब जो है मजा थोड़ा सा किरकिरा हो गया है, और मेरा तिलक देखो मैंने कैसे कैसे फैला लिया पूरा, कई बारी हाथ लगा लिए, और अब हम ऋषिकेश की साइड जा रहे हैं, देखते हैं कोई रास्ता मिलता है तो उससे हम घर जाएंगे, क्योंकि बच्चों का मन था ऋषिकेश चलो, पर मेरा मन नहीं है, क्योंकि भाई एक तो देखो फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से दर्शन हो गए थे माता रानी के, जिस काम से के लिए आए थे वो हो गया, और फिर जाओ अपना थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर शाम को अपनी दुकान का देखेंगे, रोज रोज कैसे ही हो रहा है। तो बस अब मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा, थोड़ा सा नहीं लग रहा, तो ऐसा है जी। अब देखते हैं कहाँ से रास्ता मिलता है, ऋषिकेश की तरफ हम चले हुए हैं। घर हम आ जाते करीब 2 बजे हम घर आ जाते, लेकिन अब हम 3:30 तक घर आ पहुँचे हैं, 3:30 से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे, इतना हमें जाम मिला।
अब बहुत लेट हो गया, भूख लग रही थी तो पहले तो थोड़ा सा किचन में मैं बर्तन छोड़ के चली गई थी डिशवॉशर में, मतलब लोड नहीं किया था, पूरा लगाया नहीं था, तो बस थोड़े से उसमें करे, थोड़े से मैंने जो है कप वगैरह कुछ हाथ से धुल लिए हैं, एक ही बार लोड करूँगी अब खाना पीना करने के बाद ही। तो बस आके फटाफट से लग गई हूँ मैं चाय दूध की तैयारी में, जिसको जो भी चाहिए, क्योंकि भूख तो लगी गई थी। मेरा तो फास्ट ही है, इन्होंने तो थोड़ा बहुत बाहर ले भी लिया था, मैं कुछ मैंने तो बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि बाहर का मैं नहीं खाती हूँ फास्ट में कुछ भी। कोल्ड ड्रिंक बोल लेते पर मैंने नहीं ली, मैंने मेरे सर दर्द हो जाएगा क्योंकि, और यहाँ पे बातें हो रही है हमारे पैर दुखने की, वो मैं इधर अंशरे खड़े हुए हैं तो उनसे बातें कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, बाकी सबको मैंने दे दिया, खिला पिला दिया। और अब मैं तो नहीं आई थी, यहाँ पे आए हैं अंश और अंश के पापा कुछ देखने के लिए, क्योंकि नवरात्रि है और मैंने आपसे बोला भी था अगर आपको याद हो, हमें लेना था टीवी, क्योंकि हमारा टीवी ख़राब हो गया, जो मेरी वो शादी वाला ही था वही हम देखते थे पहले, वैसे तो ड्राइंग रूम में है हमारा पर ड्राइंग रूम में इतना नहीं देखते, थोड़ा सा मन था कि बेडरूम में ही होना चाहिए, पहले से ऐसे ही होता आया है, तो वो ख़राब रखा है बहुत महीनों का, तो हम टीवी देखते ही नहीं है, कितने महीनों से नहीं देखा हमने, देखते तो बहुत कम हैं आजकल, टाइम ही नहीं होता। मैं रात को अपना थोड़ा बहुत बिज़नेस का ही देखती हूँ, व्हाट्सएप वगैरह, और फिर एडिटिंग का भी काम होता है, तो अंश को भी इतना ज़्यादा नहीं टाइम मिलता, मुझे भी नहीं मिलता। और फिर ये क्या करते हैं, श्रेय और श्रेय के पापा ना फ़ोन में घुसे रहते हैं, अपना अपना फ़ोन बस उसमें लग जाते हैं, तो मैंने आप जो है फ़ोन साइड रखे जाएंगे और थोड़ा सा जो है देखा जाएगा यहाँ पे कि टीवी भाई देश दुनिया की खबरें थोड़ी सी देख लो साथ में बैठ के, तो इसलिए तो टीवी आ गया था, लेकिन ये लग रहा है नेक्स्ट डे, उस दिन तो ये शाम को ले आए थे, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था अंश ने वहाँ पे, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे जाना था शॉप पर, आधा दिन मंदिर में गया आधा मैं शॉप पर गई, भाई शॉप भी देखनी है माता रानी की कृपा से, वहाँ पर भी ध्यान देना है, तो बस यहाँ पर आ गए थे लगाने के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा टीवी जो है लग गया है, और अब देखते हैं कैसी जो है, हालांकि मुझे नहीं पता कि कैसा लाए होंगे कैसा नहीं, मैंने भी लगने के बाद ही देखा, क्योंकि आवाज़ वगैरह का मुझे बहुत ज़्यादा रहता है, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, कई बारी ना ऐसी आवाज़ आ जाती है जो बिल्कुल एकदम कानों को भी चुभती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। सो जी फाइनली टीवी लग गया है और लगा के चले गए हैं वो, और अच्छा लग रहा है दीवार में, मतलब ज्यादा इससे बड़ा साइज भी ना अच्छा लगता, छोटा स्पेस है ना, तो बड़े का करना भी क्या है, मैं हमें बड़े का कुछ नहीं करना, यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आ रही क्योंकि लाइट ऊपर ही है ना। तो जी टीवी तो हमारा लग गया है, अब हम इंजॉय करा करेंगे इसे शाम को सब बैठ के, और बताइएगा आप कैसा लग रहा है टीवी क्वालिटी। तो बस जी इस वीडियो का, और हाँ मैं बताना भूल गया, ये सैमसंग का टीवी है, कंपनी मैंने नहीं बताई थी अभी तक, सैमसंग का हमने टीवी लिया है। तो जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, और अब मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।